में अरवा न्यूज एट 3 के साथ मैं हूं मारिया मेमन। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फैसलाबाद में सरकारी अफसर की ओछी हरकत, बूढ़े चौकीदार ने गलत जगह गाड़ी पार्क करने से रोका तो सरेआम थप्पड़ बरसा दिए। बैठे हुए थे गैस वाले, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने वोट किसको दिए, तो मैंने बोला कि मैंने पीटीआई को वोट दिए। अच्छा। तो उसने मेरे को आगे से बोला कि चलो ठीक है, ये बात याद रखना। खानेवाल में महकमा गैस का कारनामा, शहरी को लाखों का बिल भेज दिया, कनेक्शन भी काट डाला। मुतासरा शहरी ने नून लीग पर इल्जाम धर दिया, कहते हैं शेर को वोट ना दिया तो सजा मिली। हकीकत बताएंगे न्यूज एट 3 में। जवान देखते रह गए, बाबा जी ने फिर मैदान मार लिया। बूढ़े मद्दाह ने अयान अली को आज भी हार पहना दिया, तस्वीर बनाने की फरमाइश भी पूरी हुई। अदालत ने मॉडल की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। भारतीय इंतहा पसंद सकाफत के दुश्मन गुलूकार गुलाम अली भी रवैये से मायूस, भारत ना जाने का ऐलान कर दिया, तमाम प्रोग्राम मंसूख। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार की दरख्वास्त मंजूर, सुप्रीम कोर्ट का बलूचिस्तान के हलका 50 में दोबारा इंतखाब का हुक्म। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर कप्तान के टाइगर्स बरहम, मुल्तान में शाह महमूद के घर के बाहर एहतजाज, वाइस चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। मईशत की बहाली और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया, वजीर आजम का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मक्खन, घी और आइसक्रीम में पाम ऑयल के इस्तेमाल का इंकशाफ, पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोट लखपत में यूनाइटेड डेयरी फार्म को सील कर दिया।